हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलवर के निमराना से दिल्ली जयपुर हाईवे पर निमराना के मिलहरिया गांव के पास बने फ्लाईओवर पर देर रात ओवरलोड ट्रक व पत्थरों से भरे डंपर की टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही हादसे के बाद दोनों ट्रक भी सड़क पर पलट गए, जिसके बाद हाईवे पर जाम लग गया। हादसे की सूचना लगते ही निमराना पुलिस व हाईवे पेट्रोलिंग गश्त की टीम मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाने में जुट गई। लेकिन पत्थरों से भरे डंपर बीच हाईवे पर पलट जाने से जाम सुबह 9 बजे तक लगा रहा। हाईवे पेट्रोलिंग गश्त के कर्मचारी ने बताया कि रात 12 बजे दो ट्रकों की टक्कर हो जाने की सूचना मिली थी, जिस पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो डंपर व ट्रक हाईवे पर पलटे हुए मिले। रात को ही जाम को खुलवाया, लेकिन सुबह वाहनों का दबाव होने के कारण जाम दोबारा लग गया है। जल्द ही दोनों ट्रकों को हटाकर मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर टोल टैक्स पर सबसे ज्यादा टोल देने के बाद भी लोगों का उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जगह जगह सड़क टूटी हुई है, साथ ही बीती रात को भी दो जगह हादसे होने के बाद भी हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा उनको मुख्य मार्ग से नहीं हटाया गया, और जिसके बाद दूसरा हादसा हो जाने से एक की मौत हो गई थी। वैसे ही अगर रात को ही दोनों वाहनों को हटा दिया जाता तो 10 घंटे तक आज जाम नहीं लगा रहता, लेकिन सब गोलमाल है। स्थानीय प्रशासन भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। आपके क्षेत्र की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। साहब, ये रात को 12:15 बजे से हमारे पास सूचना आई थी कि यहाँ का कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। हमने मौके पर पहुँच कर देखा तो एक डंपर का एक ट्रक का एक्सीडेंट था, दोनों गाड़ी टपट हो गई, उसके बाद में जाम की स्थिति बन गई। कोई जनहानि वगैरह तो नहीं हुई सर? जनहानि कोई, नॉर्मल एक इंजर्ड पर्सन है। बाकी जाम अभी चल रहा है, जाम को खुलवा दिया गया था रात को, अब ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा फिर जुड़ने लग गया है। हमारी टीम यहाँ लगी हुई है।